हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर एक से लेकर तीन चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में आपको सेम टू सेम लड़ेगा। तो आइए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए चैप्टर वन से, चैप्टर वन से हम लोग को देखना है अच्छा से। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर एक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय या नवीकरणीय या जैव या अजैव? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, पहला का ऑप्शन ए होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कौन सी होगा जी, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन होगा? तो हो जाएगा सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो ऑप्शन होगा बी, यानी पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो तीसरा का आप जल्दी बताइए, अगर आप पढ़े हैं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप आंसर जरूर बताएं। तो होगा 200 किलोमीटर, कितना जी 200 किलोमीटर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध होगा इनमें कोई नहीं, ना उसका संसाधन संग्रह से है, ना संसाधनों की अनियोजित विदोहन से, और ना संसाधन के नियोजित दोहन से, यानी इसमें से कोई नहीं होगा, चौथा का डी। पांचवा नंबर क्वेश्चन आप देखें जी, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? यानी समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर दूरी क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा कहलाती है? पचमा का बताइए, यानी पचमा का ऑप्शन नंबर डी होगा, पचमा का डी 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। ये पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। सेकंड चैप्टर का बात करते हैं, चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर का नाम क्या है जी, सेकेंड चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन। आइए इसका ऑब्जेक्टिव अच्छा से करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव आप सुंदर ढंग से करिएगा और बोर्ड एग्जामिनेशन हम लोग को सेम टू सेम इसमें अच्छा से नंबर देगा। तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर एक से हल्का जूम इन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक से देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जी भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, जल्दी बताइए, पहला का क्या होगा? तो अत्यधिक सिंचाई, वहां के लोग पटवन ज्यादा करते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई, ज्यादा पटवन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? दूसरा आप जल्दी बताइए, उत्तराखंड, कौन आंसर होगा, उत्तराखंड। हरियाणा की, पंजाब की, बिहार का, मैदानी क्षेत्र की, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां होता है? तीसरा जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, तीसरा का आंसर क्या होगा, बी राजस्थान, जहां की बालू वाला एरिया होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन जी, मेढक के प्रजनन के माने जनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या कहलाता है? मेढक को कौन बर्बाद करता है, बताइए, चौथा का सी होगा, एड्रीन, कौन सी जी, एड्रीन, चौथा का सी। और पांचवा नंबर क्वेश्चन बताइए, पांचवा, काली मृदा का दूसरा नाम, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम आपसे पूछेगा तो बताइएगा रेगुर मिट्टी, कौन सा मिट्टी जी, रेगुर मिट्टी। तो कथा कहानी दूसरा चैप्टर का भी समाप्त हो गया। तो आइए हम लोग तीसरा चैप्टर में, कौन सा चैप्टर, तीसरा चैप्टर का नाम होगा कौन सी, जल संसाधन। आइए इसका भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करिए हम लोग तीसरा चैप्टर का भी। जूमिंग हल्का ले लीजिए ताकि ज्यादा से अच्छा से दिन आएगा। देखिए सही है, आइए क्वेश्चन नंबर एक से, बृहत क्षेत्र में
बृहत क्षेत्र में जल की अनुपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कोजी कहते हैं? पहला जल्दी बताइए, तीसरा चैप्टर में आंसर क्या होगा? बी नील यानी नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर टू, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग समुद्रों में निहित होता है जी? तो दूसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी 96 पॉइंट यानी घ होगा। क्या घ? 96.6% होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तीसरा नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए। तीसरा का सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा क्वेश्चन क्या होगा जी? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? चौथा जल्दी बताइए, चौथा क्या होगा? चौथा यानी हो जाएगा ग 65%। के प्रतिशत जी? 65% हो जाएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होता है? तो 65%। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा जाता है? यानी बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा दिया जाता है जी? पांचवा जल्दी बताइए, देखते हैं आपका आंसर सही होता है या नहीं होता है। तो सी होगा आर्सेनिक का, यानी पांचवा का ऑप्शन नंबर हो गया सी, यानी सी का के मतलब ग। आई होप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत होगा कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप वीडियो को नीचे एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।